वेलकम टू एसएससी जी दोस्तों, हाजिर आपके सामने पार्ट 7 मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के साथ। दोस्तों अभी तक हमने 6 पार्ट इसका निकाल दिया, ये हमारा 7वां पार्ट है। ओके, टोटल अभी 10 पार्ट निकलेगा। ऐसे टोटल है कितना आपका, 15 पार्ट। बट पहले 10 पार्ट निकलेगा, देन फिर 5 पार्ट निकलेगा, आपका देखेंगे कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है उसके हिसाब से, ठीक है। बट वो निकल जाएगा, एग्जाम से पहले निकल जाएगा, टेंशन नहीं। और फिजिक्स का जस्ट पार्ट स्टार्ट होने वाला है, ठीक है जल्दी। बायोलॉजी का हमने बोटनी खत्म होने वाला है, एक पार्ट बचा हुआ केवल, तो वो भी जल्द ही अपलोड हो जाएगा। उसके बाद हम लोग जियोलॉजी थोड़ा सा लेट से करेंगे, पहले फिजिक्स का कुछ पार्ट निकाल दे, ठीक है, कुछ चैप्टर वाइज, देन कुछ केमिस्ट्री का, देन फिर बायोलॉजी में आएंगे। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पीडीएफ के लिए आपका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ हमारा टेलीग्राम का, वहाँ जाके ऐड हो जाएगा। और ये हमारा टिकटॉक आईडी, ठीक है, इसमें आप हमें फॉलो कर सकते हैं। पहला देखते हैं, विच डायरेक्टिव प्रिंसिपल बियर्स द डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑफ गांधीज मॉरल फिलोसफी। तो कौन था वो आर्टिकल, कौन था भैया, 48, जिसमें बोला गया था कि प्रोविजन ऑफ स्लॉटर ऑफ काउज, दैट मींस ऑप्शन सी, ठीक है। दोस्तों एक चीज का आपको इसमें ध्यान देना है क्या, कि देखिए आपको टोटल बोला जाए तो गांधीयन आर्टिकल पढ़ना है, ठीक है। तो जो मैं पॉलिटी का कवर कर रहा हूँ आपको, ठीक है, उसमें मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सा आर्टिकल गांधीयन आर्टिकल है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन आ चुका है इससे। तो ये याद रखना है कि आर्टिकल 48 में कहा गया कि स्लॉटर ऑफ काउस को रोकना चाहिए, ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट चलते हैं, हु डिक्लेयर्ड एज हिज अल्टीमेट एम द वाइपिंग ऑफ एवरी टीयर्स फ्रॉम एवरी आई। तो ये किसने कहा गया था, किसने कहा था दोस्तों, ये नेहरू जी ने कहा था, ऑप्शन ए। हम लोग का टारगेट है 10 मिनट के अंदर फिनिश करने का, ठीक है, 25 क्वेश्चन ऐसे ऐसे करके। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है दोस्तों आपका बुल्ला भाई देसाई मोस्ट मेमोरेबल अचीवमेंट वाज हिज डिफेंस, ठीक है, ऑफ होगा, ऑफ द इंडियन नेशनल आर्मी INA पर्सनल एट रेड फोर्ट ट्रायल। देखिए क्या बोलना चाहता है कि बुल्ला भाई देसाई क्या किए थे कि तीन हमारा जो एक सेना था, ठीक है, जिनका नाम क्या क्या था आपको बता रहा हूँ, एक थे गुरुबख्श, एक थे श्री प्रेम, ठीक है, और एक शाहनवाज, ठीक है, ये तीनों पे आरोप लगा था, ठीक है, ये तीनों पे आरोप लगा था कि वर्ल्ड वार टू में ना इन्होंने चोरी किया था, जो ट्रेजरी था उसका चोरी किया था इन्होंने, तो इन पे ये आरोप लगा था, ठीक है। तो इसके खिलाफ में वो डिफेंस में लड़े थे बुल्ला भाई देसाई, ठीक है, वो कब लड़े थे, तो वो आपको 1945 में लड़े थे। तो यही इनके लिए बोला जा रहा है कि बहुत ही मेमोरेबल अचीवमेंट था, ठीक है, जो INA के लिए लड़े थे वो। ओके चलिए नेक्स्ट चलते हैं, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। पहला वाइसरी पोर्तुगीज का कौन था, ईस्ट में, ईस्ट में पहला वाइसरी कौन था, वाइसरॉय कौन था पुर्तुगीज का, तो वो कौन था, फ्रांसिस्को, याद रखिएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट चलते हैं, व्हेन वाज ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस फाउंडेड। कब ये ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस को स्थापना किया गया, एस्टैब्लिश किया गया था। तो दोस्तों ये था, आपको याद रखना है 1927, कैसे याद रहेगा, वन आपको कॉमन है, याद किया, लास्ट का दो अंक का जोड़ 9 है, तो 1927, ठीक है, तो ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, देखिए जो कुका मूवमेंट था जो मिड 19वीं सेंचुरी में स्टार्ट हुआ था, वो कहां से स्टार्ट हुआ था, तो कुका मूवमेंट स्टार्ट हुआ था वेस्ट पंजाब से, याद रखना, वेस्ट पंजाब से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, महात्मा गांधी रिमार्क्स अपोजिटेड चेक ऑन अ क्रम्बलिंग बैंक इज रिगार्डेड द प्रपोजल ऑफ। तो देखिए महात्मा गांधी क्या किए थे, रिमार्क मारे थे, ठीक है, किस पे, कोई चीज पे, देखिए कोई एक मिशन पे रिमार्क मारे थे, वो क्या रिमार्क मारे थे कि ये पोस्टडेटेड चेक है, ठीक है, तो ये किस पे मारे थे दोस्तों, तो ये था साइमन कमीशन, ऑप्शन ए। ये बहुत फेमस है, ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है इसलिए बहुत कॉमन है, सॉरी साइमन बोलते हैं, क्रिप्स मिशन पे, क्या था दोस्तों, क्रिप्स मिशन था, साइमन बोलता हूँ, ठीक है। तो याद रखिए क्रिप्स मिशन पे ये बहुत फेमस था जो इन्होंने मारा था कमेंट कि अपोज डेटेड चेक ऑन अ क्रम्बलिंग बैंक, याद रखिए क्रिप्स मिशन, ऑप्शन बी लिखा सही, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अंडर हुज लीडरशिप, टाइपिंग है बहुत है, वाज द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी फाउंडेड इन 1934।
किनके द्वारा, किसके लीडरशिप पे ये कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का फाउंडेशन हुआ था 1934 में। तो ये थे दोस्तों आचार्य नरेंद्र बोस एंड पीसी जोशी। ठीक है, तो एनपी याद रखिए, नरेंद्र पीसी, ठीक है, नरेंद्र एनपी कुछ भी आ सकते हैं। ठीक है, तो याद रखना है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का जो फाउंडेशन हुआ, तो पहला तो ईयर याद रखना, क्योंकि ईयर कहो हो सकता है इसमें, ये तो पूछ दे 1934 में किसके द्वारा, आचार्य नरेंद्र बोस एंड पीसी जोशी, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हु अटेंडेड द इंपेरियल दरबार ऑफ 1877 ड्रेस इन हैंड स्पून खादी। तो इसमें से कौन अटेंड किए थे इंपेरियल दरबार को, तो भैया ये कौन थे आपके, गणेश वासुदेव जोशी, ऑप्शन डी। क्लियर, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। और याद रखिएगा कि इसी इंपीरियल दरबार में ही किनको क्या मिला था, क्वीन विक्टोरिया को केसरी हिंद का टाइटल दिया गया था, केसरी हिंद। ठीक है, और इसमें गणेश वासुदेव जोशी क्या हैंड स्पून खादी पहन के गए थे, याद रखिएगा। ठीक है, जब भी हैंड स्पून खादी का बात होगा, याद है गणेश वासुदेव जोशी, ऑप्शन डी। ओके, हु वाज द फाउंडर और एडिटर ऑफ द फेमस न्यूज पेपर केसरी। तो ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ये याद रखिएगा, लोकमान्य तिलक, ऑप्शन सी, याद रहेगा। ये मराठी लैंग्वेज में था केसरी, ये लोकमान्य तिलक। अब लोकमान्य तिलक किनको बोलते हैं आप जानते हैं, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक। तो ये इनका ऐसे नाम कर दिया कि लोकमान्य, इनको ऐसा एक टाइटल दिया गया था। ठीक है, चलिए ऑप्शन सी, नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, इसमें मैच करना दोस्ती दोस्तों, ठीक है, तो कैसे मैच करना, देखिए आपको। तो देखिए, सरोजनी नायडू सबसे पहला, वो किससे थी, मुस्लिम लीग से थी, नहीं आईएनसी से थी, तो मतलब ए का क्या हुआ, टू, सरोजनी नायडू आईएनसी से थी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जिन्ना, जिन्ना किससे थे, मुस्लिम लीग से, मतलब बी का क्या होगा, वन। क्लियर है, अब देखिए तेज बहादुर, तेज बहादुर किससे थे दोस्तों, तो ये क्या थे, लिबरल पार्टी से थे, तो ऑप्शन सी का फोर। अब जो बचा वो ऑब्वियस सी बात हो जाएगा, और वीर सावरकर, सावरकर तो आप जानते हैं हिंदू महासभा से थे। ठीक है, तो अब इसमें से कौन सा ऑप्शन हो रहा है दोस्तों, ऑप्शन ए, 2143, ठीक है, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हु वॉज द ओनली इंडियन टू बी इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, इकलौता, वो कौन थे दोस्तों, विजय लक्ष्मी पंडित। ठीक है, तो ऑप्शन ये आपकी इसलिए इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट वुमेन थी ये हमारी, ठीक है, जो इलेक्टेड हुई है, तो ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन द वर्ल्ड, इसमें से कौन सा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है वर्ल्ड का, तो आप जानते हैं नॉन वायलेंस ऑफ द ब्रेव, ठीक है, वीक कावर्ड तो हो नहीं सकता, ठीक है, ये पता नहीं क्या है। ओके, ऑप्शन होगा, तो आप जानते हैं ब्रेव का ही नॉन वायलेंस होगा ब्रेव में, ठीक है, तो ये आपका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट चलते हैं। द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस द रेलवेज इन इंडिया इन ऑर्डर टू, क्यों क्यों इंट्रोड्यूस किया रेलवे को, तो आप जानते हैं फैसिलिटेट करना ब्रिटिश कॉमर्स को एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल करना है। ठीक है, इसके लिए करता है, तो ऑप्शन बी देखिए यहाँ पे आप इजिली मार सकते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अरे दादा भाई नारोजी के तरफ से स्वराज का मतलब क्या था, तो इसका मतलब था सेल्फ गवर्नमेंट, स्वराज का मतलब सेल्फ गवर्नमेंट, याद रखना, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपका, विच रिलीजियस रिफॉर्मर ऑफ वेस्टर्न इंडिया वॉज नोन एज लोकितवाड़ी, तो आप जानते हैं ये महाराष्ट्र के थे जिनको बोला जाता था लोकितवाड़ी, वो थे आपके गोपाल हरि देशमुख, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों आपका, विच स्क्रिप्चर वॉज कॉल्ड हिज मदर, तो भाई गांधी जी के द्वारा कहा जाता था कि ये स्क्रिप्चर मेरी माँ है, वो कौन है, भगवद गीता, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों आपका,
क्विट इंडिया मूवमेंट किस किस मंथ में हुआ था आप जानते हैं? अगस्त, 9 अगस्त याद है ना? तो ऑप्शन सी, किस किस मंथ में हुआ था क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्टअप हुआ था, तो अगस्त मंथ में हुआ था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये आपका, मैंने एक बार ऐसा मैंने आपको बता चुका हूँ कि केशव सेन ने क्या किया था, किसका किया था, दयानंद सरस्वती ने क्या किया था, आर्य समाज कैसे बताया था, ठीक है, ब्रह्मो समाज किसने किया था, तो ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर बताना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हु वॉज द फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? तो आईएनसी के पहले कौन थे प्रेसिडेंट, वो भी इंग्लिश प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट नहीं इंग्लिश प्रेसिडेंट, जॉर्ज योल, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हु वॉज द फाउंडर ऑफ सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी? तो यहाँ बोलना क्या चाहता है कि जो ये सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी जो बनाया गया था उनके फाउंडर कौन थे? तो वो थे जेके गोखले, ठीक है, जो कि पॉलिटिकल गुरु थे गांधी जी के, है ना, बताया था आपको, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों आपका, महात्मा गांधी वॉज प्रोफाउंडली इन्फ्लुएंस्ड बाय द राइटिंग ऑफ, तो किनका राइटिंग से बहुत इन्फ्लुएंस्ड हुए थे वो? तो वो थे लियो टॉल्स्टॉय, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों आपका, इंडिया अटेंड डोमिनियन स्टेटस कब मिला था? ये सिंपल सा क्वेश्चन जानते हैं, 15 अगस्त 1947 का, ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका दोस्तों, व्हाट इज गांधीज डिफिनेशन ऑफ रामराज? तो रामराज का क्या डिफिनेशन उनका था? तो सॉवरेनिटी ऑफ द पीपुल बेस्ड ऑन प्योर मोरल अथॉरिटी, ठीक है, तो ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं और लास्ट क्वेश्चन हमारा। नेक्स्ट है दोस्तों आपका, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट टू साइन द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ एक्सेशन? तो सबसे पहले कौन किसने साइन किया था दोस्तों? ऑप्शन बी, द दीवान ऑफ त्रिवेंकोर, ठीक है, फिर आपके भोपाल, फिर जोधपुर था, ठीक है, फिर जोधपुर था लाइक दिस, ठीक है, फिर जूनागढ़ था लाइक दिस, था तो सबसे पहले था त्रेवनकोर, ठीक है, याद रखें त्रेवनकोर सबसे पहले था, सेकंड था भोपाल, फिर जोधपुर था, फिर जूनागढ़ था, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। तो ये हमारा टॉप 25 था, ठीक है, सीरीज के वाइस चांसलर 177 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है हम लोग का, और बचा हुआ कितना होगा, 3 अप्रॉक्स आपको बताया, 400 के अप्रॉक्स है, ठीक है, तो धीरे धीरे करके कंप्लीट होता जाएगा। हर दिन का वीडियो हर दिन ही पढ़ लीजिएगा अच्छे से, ताकि आपका कोर्स पूरा कंप्लीट हो जाए। अभी के लिए थैंक यू।